वेलकम टू एस डी इंसेप्शन योर एक्वेरियम चैनल। आई एम एट लेक लैंड इन द कुरला फिश मार्केट और यहाँ पे जैसे कि आपके सामने आप देख रहे हो कि काफ़ी सारी वराइटीज़ है फिशेज़ की, काफ़ी खूबसूरत और अनकॉमन फिशेज़ है यहाँ पे। एंड आई एम विद द ओनर ऑफ लेक लैंड मिस्टर शकील सर। तो सर इसके अंदर आप बताइए कि कौन सी फिशेज़ है, कितनी वराइटीज़ है इसके अंदर? इसमें अभी एक्चुअली कैटफिश के हिसाब से देखा जाए तो रेड टेल कैटफिश है जी, रेड टेल शॉवर नोज कैटफिश है। ओके, वो जो हाँ पीछे है, पीछे की साइड जो है रेड टेल शॉवर नोज कैटफिश। ओके, सेकंड है इसके अंदर लेब्राडोराइट स्ट्राइप कैटफिश। ओके, ये सब अफ्रीकन रिवर्स के फिश है जी। फिर उसमें तुम्हारा स्ट्राइप लेपोरिनस है। ओके, यहाँ पे पीछे, हाँ उसके पीछे जी, वो स्ट्राइप लेपोरिनस है। ये इसमें बैंडेड लेपोरिनस वगैरह भी एक ग्रुप में आती है। ओके, और बहुत जो वैरायटी है वो पिकॉक बास है। ये पिकॉक बास भी ये सब अफ्रीकन रीजन से आती है जी। तो दीज आर द फोर वैरायटीज। ओके, आज के फोकस। ओके, मूविंग ऑन टू द फर्स्ट फिश, सबसे पहली फिश के ऊपर बात करेंगे, किसके बारे में आप हमें जानकारी देंगे? सबसे फर्स्ट फिश यू कैन गो फॉर पिकॉक बास। पिकॉक बास के ऊपर? या ओके, पिकॉक बास मॉन्स्टर फिश कहलाती है। मॉन्स्टर फिश कहलाती है, दे ग्रो अराउंड 4 to 5 feet इन नेचर। ओके, बट इन टैंक कैप्टिविटी ये ज़्यादा मतलब 2 to 2.5 feet तक का मैक्सिमम जाती है। 2 to 2.5 feet का? 2 to 2.5 feet का। ओके, दिस ग्रोज क्वाइट ह्यूज। ओके, और रिवर फिश कहलाती है। ऑल्दो दीज आर ऑल्सो फ्रॉम रिवर्स, अफ्रीका के बहुत सारे रीजन्स है, वहाँ के रिवर्स है, लेक्स है, पॉन्ड्स है, ये भी वहीं से आती है। और फीडिंग पैटर्न क्या है इसका? फीडिंग पैटर्न दे प्रिफर लाइव। ओके, दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ ईटिंग लाइव। इसके बाद में जो सेकेंड फिश है वो दैट इज स्ट्राइप लेपोरिनस, आपको स्ट्राइप में दिखाई दे रहा है। ओके, ये फीडिंग पैटर्न ऐसा है कि ये फिश इसकी हाफ लाइफ वेज रहती है और इनिशियली ये नॉन वेज फीड पैटर्न ज़्यादा पसंद करती है। ओके, बट व्हेन दे ग्रो टू 4 to 5 inches इन साइज जी, दे ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इन टू दिस थिंग वेजिटेरियन फूड। ओके, लाइक पैरेट्स एंड ऑल दैट। उसके बाद में अगर आप उसको देंगे तो वो खा रहेगी बट वो इतने अच्छे से नरिश नहीं, चेरिश नहीं करेगी। ओके, तो ये उसकी खासियत है। ओके, नोन एज स्ट्राइप लेपोरिनस। ओके, इसकी हाफ, इसकी एज की जो हाफ टाइम है ये वेज रहती है, उसके बाद में वो नॉन वेज भी रहती है। ओके, इनिशियली वो नॉन वेज से वेज होती है, हो जाती है। ओके, तो ये साइज़ बढ़ने के बाद हो जाता है इसका? हाँ, बस यही साइज़ के बाद में अभी ये तैयार हो गई है। अभी इसको जो भी पैलेट्स दो, अपना ग्रीन फूड दो उसको, वो बहुत अच्छे से इन्जॉय करिए। ओके, और इसकी जो स्ट्राइप है वो भी काफ़ी बड़ी होती है? हाँ, इसके पैटर्न्स काफ़ी ब्रॉड होंगे। हाँ हाँ, टेल्स, इसके टेल के कलर्स अच्छे डेवलप होंगे, रेडिश कलर हो जाएंगे। और कलर की डेप्थ कैसी, कलर निखरता है और कि फेड हो जाता है? कलर इसका और डेवलप होगा। ओके, कलर इसका डेवलप होगा। ओके, और कैसी, किसके साथ रहना प्रेफर करती है? ये सब, ये इतनी ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है। अच्छा, बैंडेड लेपोरिनस वगैरह भी जो है ये बहुत सारी कॉमन कम्युनिटी के अंदर ये रह जाती है। इसका कोई इशू नहीं है। ओके, नेक्स्ट फिश कौन सी? एग्रेसिव है सर। थर्ड वन इज द स्ट्राइप कैटफिश। ओके, दीज आर नोन एज लेब्राडोराइट। ओके, स्ट्राइप कैटफिश, ये भी अफ्रीकन रिवर्स से आती है जी। दे आर पीसफुल, दे आर स्मॉल इन साइज। ओके, ये किसी को हार्म नहीं करती है and they look also pretty. Okay, इसी के, yeah, basically this fish is nocturnal by nature. Okay, इसके साथ में आने वाली बहुत सारी fishes जो है वो talking catfish इसी pattern की आती है। Okay, talking catfish है, इसमें बहुत सारे catfishes आती है जी, तो वो भी इसी group में साथ में community में रह सकती है। Okay, और कैटफिश की वैरायटी है तो पूछने की जरूरत नहीं, काफ़ी बड़ी हो सकती है साइज में? ये ज़्यादा नहीं पड़ेगी, ये मिनीचर है, इसकी मैक्सिमम साइज 8 to 10 inches देखी गई है। अच्छा, वो भी नेचर, तो ये तो एक्सेप्शन है शायद कैटफिश में। हाँ, फिर एक्सेप्शन है। ओके, बट इन नेचर के अंदर वो साइज उसकी अटेन करती है, बट कैप्टिविटी के अंदर इट वोंट गो मोर देन 5 to 6 inches। ओके, नॉट मोर देन 5 to 6 inches। ओके, और बॉडी के ऊपर का पैटर्न भी काफ़ी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। इसके कलर और डेवलप होंगे, ये कम्प्लीटली इसका बेस कलर येलोइश हो जाएगा, पीच येलो कलर का हो जाएगा। ओके, इसके बॉडी के ऊपर थोड़े ब्लैक और रेड कॉम्बिनेशन के स्ट्राइप्स भी आ जाएंगे जी जी। और नेक्स्ट कैटफिश के ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिश के ऊपर। ओके, तो ये वाली नेक्स्ट कैटफिश है सर, ये कौन सी वाली है? दिस इज
रेड टेल शॉवल नोज कैटफिश. रेड टेल शॉवल नोज कैटफिश, दिस इज अगेन अफ्रीकन वैरायटी. ओके, कमिंग फ्रॉम लेक तंजानिया. ओके, और फिशेस काफी अच्छी साइज की बढ़ती है जी. और पीपल हैव क्रेज फॉर दिस फिश बिकॉज इसमें रेड टेल जायंट कैटफिश जो है इसके बहुत क्लोज ब्लड रिलेशन में है. ओके, तो रेड टेल जायंट कैटफिश हो गई, रेड टेल शॉवल नोज हो गई, टाइगर शॉवल नोज कैटफिश हो गई. तो ये सभी एक ही ग्रुप के जो सब एक जगह से आते हैं. तो ये सारी जो फिशेज है इनको, इनकी जो फीडिंग होती है वो ज्यादा लाइव होती है. दे प्रिफर लाइव. ओके, बिकॉज इनका मुंह भी बहुत ज्यादा चौड़ा खुलता है. राइट, काफी वाइड उसका उसका माउथ माउथ ओपनिंग है. जी जी. तो इसमें क्या, जो भी जो लाइव फिश है दे एंजॉय वेरी वेल. ओके, बड़ी होने के बाद में ये बहुत खूबसूरत लगती है. और ज्यादातर ये जो टीवी शो पे भी जो मॉन्स्टर शोज वगैरह होती जी है जी, तो उसके अंदर भी इसकी एंगलिंग्स वगैरह बताते हैं जो थाईलैंड के अंदर है, इंडोनेशिया के अंदर भी है. ओके, ये सारी स्पीशीज वहाँ पर भी डाली हुई है जिससे वो लोगों को एंगलिंग्स का उनका शौक वगैरह पूरा होता है जी. तो इसमें आप देख सकते हैं कि वो आठ फुट की साइज की ये पाई जाती है. ओके, तो सर यहाँ पे आपने मेरे ख्याल से 3-4 वैरायटीज बताई है, तो रेट्स के बारे में बताना चाहेंगे क्या रहेंगे रेट्स? इसके जो पिकॉक पास है वो अराउंड 1200 rupees ईच है. ओके, एनी कस्टमर वांट्स टू बाय 1200 rupees पर पीस एक्चुअली ये साइज में आता है. ओके, लैब्राडोराइट कैटफिश जो है, लैब्राडोराइट कैटफिश ओके, ये इसकी प्राइस 500 to 600 rupees ईच है. ओके, 500 to 600 rupees एक की है. 600 मीन्स इनिशियल स्मॉल साइज के अंदर. ये तो अभी साइज बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो ये शुड गो अराउंड 1000 rupees समवेयर. ओके, और इसमें जो रेड टेल जायंट कैटफिश है जी, दिस इज अगेन एक्सपेंसिव कैटफिश. ओके, 1200 to 1500 के बीच में वेरी करता है. ओके, 1200 to 1500 की एक, 1500 rupees पर पीस. ओके, और इसमें जो दूसरी जो साइज की क्वालिटी है जी, स्ट्राइप लेपोरिनस. ओके, ये स्ट्राइप लेपोरिनस जो है ये दिस इज अराउंड 800 to 1000 rupees ईच डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फिश. ओके, मतलब अगर साइज बड़ी होगी तो प्राइस और बढ़ेगी. ओके, अभी फिलहाल तो 800 to 1000 आपने बताया. 800 to 1000 rupees पर पीस जी. सो मेरे ख्याल से आज का काफ़ी वैरायटी वाली फिश का वीडियो है ये. इसमें आपने मेरे ख्याल से, और एक हमने जो टाइगर फिश और कैटफिश भी है वो भी हमने एक ऑलरेडी उसका वीडियो बनाया था. वीडियो दे चुके जी, हम एक वीडियो बनाए थे, तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो 4 to 5 वैरायटीज है. तो ये था आज का वीडियो अबाउट ऑल दिस एग्जॉटिक फिशेस दैट आर अवेलेबल एट लेकलैंड इन कुरला. इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो डू इट द थम्स अप बटन एंड मेक श्योर यू स्टे ट्यून टू वॉच सम मोर अपकमिंग इंटरेस्टिंग वीडियोज कमिंग सून ऑन SG Inceptions. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. Thank you.